मुंडावर उपखंड के ग्राम ततारपुर में बरसात के चलते प्राचीन किले की एक दीवार का हिस्सा भर भर कर गिर गया, जिसमें एक महिला व घायल हो गई तथा एक पशु पशुधन की मौत हो गई। ततारपुर स्थित किले के आसपास रहने वाले लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। सोमवार को बरसात के कारण किले के चारों तरफ बिना नींव के पत्थरों से बनाई हुई भ्रष्टाचार की दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से एक पशुधन की मौत हो गई तथा महिला को समय रहते निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र उर्फ बिल्लू यादव ने बताया कि हादसे में कमलेश पत्नी राजेश सेन के दोनों पैरों में चोट आई है। उस वक्त अन्य बच्चे वहां नहीं खेल रहे थे, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। महेंद्र सेन ने बताया, प्रशासन को कई बार अवगत कराए जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। अलवर से टिंकू सेन की रिपोर्ट। हमारे 100 घरों की बस्ती है, हम खतरे में रह रहे हैं। हमेशा मानसून में कई बार कानूनी कार्रवाई भी की, बिना नींव की दीवार है और हम यहाँ पर खतरे में ज़्यादा रह रहे हैं। मम्मी को भी चोट लगी, हमारे पशुधन भी मर गए, सुबह बच्चों को भी चोट लगी, बाल बाल बचे। हमारे 100 घरों की बस्ती में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और सुबह लोगों की मदद से हमने मम्मी को निकाला, उनका पैर दब गया, उनके ज़्यादा लगी। अब ततारपुर का ऐतिहासिक किला पुराना किला है और इसके चारों ओर ये दीवार दी गई है, दीवार के नीचे इसमें नीम कम है, इस वजह से ये दीवार गिर गई और दीवार गिरने से इनका ये अंदर की तरफ भी इनकी दो दीवार थी, दोनों दीवार गिर चुकी, इनका पशुधन का भी नुकसान हुआ है, वैसे चोटें आई हैं, टीन शेड भी खराब हो गया और आगे भी ये एक मंदिर सा बना रखा है, इसके नीचे भी पेड़ दे रखी हैं, इधर भी पीछे की साइड भी जो है इधर भी ये बिल्कुल ही ऐसा जर्जर सा हो रहा है, कभी भी गिर सकता है, जान माल की नुकसान हो सकता है, तो इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।